हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं आशीष और चलिए मॉरिशस में क्या हुआ, कैसा रहा ये शो, ये बताने के लिए आ गई हूं। और कुछ एक पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा ही ब्यूटीफुल थे और मेमोरेबल थे, वो भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरा इस बार का रिव्यू। शुरू करते हैं। अब क्या करूं ओके। मॉरिशस में जो हुआ था उसमें कुछ एक चीजें बहुत उभर कर सामने आ रही थी। एक तो सबसे बड़ी बात जो आपको पसंद आती है वो ये कि मॉरिशस में जो वहां के लोकल वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए पवन और अरुणिता ने ये चीज डिसाइड की कि क्यों ना एक प्रोग्राम इन लोगों के साथ किया जाए। और ये सारे ही जो आर्टिस्ट से ये वहीं पर पले बढ़े हैं और वहीं पर भारतीय संगीत और अलग अलग संगीत की साधना कर रहे हैं, तो तालियां तो उनके नाम पर भी बनती हैं और फिर ये एक गुड वर्क गुड डीड बाय पवन अरुणिता वो भी बनता है। इन लोगों के साथ बड़े अच्छे लगे मुझे इन लोगों के साथ जो अरुणिता ने गाया था, एक प्यार का नगमा है, कहना ही क्या और सुन रहा है ना तू। पवन की बात करती हूँ, सच कह रहा है दीवाना और जो ख्वाबो ख्यालों में सोचा नहीं था। एंड उस दौरान पवन कहते हैं कि बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है, सब लोगों को हिंदी आती है तो अच्छा लग रहा था। मतलब पवन को एक और घर मिल गया मॉरिशस में। नाइस। उसने मॉरिशस के जो बैंड थे और बैंड मेंबर्स थे उनके लिए तालियां भी बजवाई। सो ये एक ऐसी चीज है जैसे कि आपको बहुत सपोर्ट करने की इच्छा होती है। एक ट्रू आर्टिस्ट हमेशा दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है और फिर पवन अरुणिता की तो आई मीन दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। पवन को आप कई जगह पर ऐसे लोगों के साथ आते हुए देख सकते हैं, सो इट वॉज वेरी नाइस थिंग। और फिर केके को भी याद किया गया क्योंकि पवन ने जो दो गाने गाए हैं, सच कह रहा है दीवाना और जो ख्वाबो ख्यालों में, ये केके इन सिंगर की आवाज में था। तो आई थिंक मुझे कुछ लोगों ने लिखा भी है कि काश कि वो केके के गाए हुए और कई सारे गाने गा सकें। भाई पवन सुन लो भाई, अपने फेवरेट्स जो आपको कह रहे हैं, आपके फैंस जो आपको कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इनफैक्ट डुएट भी गाया, रिमझिम रिमझिम रुमझिम रुमझिम। ओके, नाउ एक ब्रेक लिया गया और उसके बाद जो असली बैंड है यानी कि पारस या साहिल या माधव, इन सब का बैंड आया और उसकी एनर्जी लेवल ही अलग था। क्या होता है जब बैंड मेंबर्स एक साथ बहुत सारे शोज करते आए हों और बहुत अलग अलग जगह पर करते आए हों, तो जो साथ चलने की आदत है वो एनर्जी बहुत सुंदर लगती है। सो ऐसे में जो अरुणिता आई थी उन्होंने गाना गाया पलवर ठहर जाओ, खामोशियां और मौन माझी रे, ये वाला भी गाना गाया जन्म जन्म। और फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए लग जा गले, उन्होंने पब्लिक को कहा कि भाई मेरे साथ भी गाइए। वो बार बार एक बात कह रही थी कि यहाँ पर सब लोग सिर्फ हिंदी बोलते नहीं है, हिंदी गाने भी गाते हैं, विच वॉज वेरी गुड थिंग टू हियर कि इतने सारे लोगों को हिंदी वहां आती है और गाने भी आते हैं। ओके, जो भेजी थी दुआ ओरे मनवा और गूंजा सा है कोई तरह और न जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, दिल चीज क्या है, ये सारे ही वो गाने हैं जो हम बार बार अरुणिता के लिस्ट में से सुनते आए हैं। इतने दिनों बाद सुन रहे थे तो और मजेदार लग रहा था। और सबसे खूबसूरत बात ये लग रही थी कि वहां के जो दर्शक थे, जो ऑडियंस थे, जो सामने बैठे हुए थे, वो अरुणिता को ना एक ध्यान धुनी लगाकर सिर्फ सुने जा रहे थे। उनको उतना मजा आ रहा था, उतना रस आ रहा था, इसलिए नहीं रसिक श्रोता रसिक दर्शक भी कह सकती हूँ मैं। एंड इट वाज वेरी नाइस। मॉरिशस की ऑडियंस जनता जो है वो बहुत अलग तौर पर से आ रही थी। इस बीच जो एंकर थे मुझे वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे। वो एक एंकर के तौर पर कई बार आपको काम करना पड़ता है कि जब कोई म्यूजिक अरेंजमेंट चेंज हो रहा हो तब ऑडियंस को इंगेज रखें, और ये जो एंकर साहब है अपना काम बखूबी निभा रहे थे, तो इट वाज अ नाइस थिंग व्हिच ही वाज डूइंग। फिर पवन का शायद कैसे हुआ और इसमें फिर दर्शक भी गाने लग गए थे, कैसे हुआ कैसे हुआ। हवाएं में भी खूब लोगों ने साथ में गाया, मेरे यारा आयत मितवा मैं तेनु समझावा की, और आज जाने की जिद ना करो अच्छा चलता हूँ। और फिर ऐसे में मैंने देखा लाइव के दौरान साइली और मतलब पवन के पिताजी सुरेश राजन जी तो थे ही, साइली ने भी ज्वाइन किया और बाद में मुझे ये भी मन पड़ा कि दानिश ने भी ज्वाइन किया। सो इनकी ये दोस्ती देखकर भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये ठीक है, हम आज साथ में नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। सो ये जो एक दोस्ती वाला एंगल था मुझे वो भी देख के अच्छा लग रहा था।
तेरा यार हूं मैं और किसी नजर को तेरा इंतजार, मेरा डोला नहीं आया डोला, वो भी अच्छा लग रहा था। एंड फिर उसके बाद एक के बाद एक खूब सारे लोग गिफ्ट्स लेकर आ रहे थे, अरुणिता को एक ने, दो ने, तीन ने, चार ने गिफ्ट दिए, और वो जो उसमें पवनदीप के लिए लोग उसकी टांग खींच रहे थे, दैट वाज रियली हिलेरियस। ऐसा लग रहा था अच्छा अब आप पवन को देंगे, अच्छा आप पवन को देंगे, लेकिन एक साथ अरुणिता को दिए गए, फिर पवन की बारी आई और फिर पवन को दिए गए। सो ये जो टांग खिंचाई चल रही थी ना, दैट वाज नाइस। आई थिंक एक अच्छे शो की यही पहचान होती है कि आर्टिस्ट अपना काम करता जाता है और दर्शक इतने फ्रेंडली हो जाते हैं उस आर्टिस्ट से कि उसकी टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं। तो आई रियली लाइक इट। उनसे फ्रेंच में बात करने के लिए भी कहा गया। व्हाट एन इंटरैक्टिव शो, आई वुड से टू गुड। पर पवन और अरुणिता का चाहे तुम कुछ ना कहो, पहला नशा, पवन कीबोर्ड पर भी वो बजा रहे थे, मनीष साहिब जी गाता रहे मेरा दिल, और केसरिया भी इंक्लूड किया, और पवन ने तबला भी, तबला और गायन जो उनका किसी नजर को रहता है ये भी लोगों को दिखाया। मतलब मॉरिशस वासी मुझे नहीं लगता कि इतना लाइवली शो कभी भूल पाएंगे। और वहीं अगर पवन अरुणिता की बात कहूं तो इतनी प्यारी जनता, इतने प्यारे श्रोता उन्हें कहीं मिलेंगे इस बात का उनको हमेशा इंतजार रहेगा। जहां पर अरुणिता को शांति से चुप्पी लगाए सुन रहे थे, तो वहीं पर पवन के लिए उनके पास जा रहे हैं या फिर उनकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसी आवाज, जैसा आर्टिस्ट, उसके हिसाब से वो उसे प्यार देने की कोशिश कर रहे थे। तो लाजवाब दर्शक थे, खूबसूरत देश के खूबसूरत दर्शक, और पवन अरुणिता की मदमस्त आवाजें, रात का मौसम, व्हाट अ मैजिक, जादू नगरी शायद इसे ही कहते हैं, जादू का देश शायद इसे ही कहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था रात को पवन की और अरुणिता की आवाज सुनने में जो आनंद आ रहा था, दैट वाज टू गुड। आप अपनी बताइए। जय हिंद।